सेवा में आदरणीय पिताजी और माताजी नमस्कार। मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ और मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है। पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, मैं ढाडू का कर्जा भी चुकाऊंगी और तुम्हारा इलाज भी कराऊंगी। पापा जी अपना ध्यान रखना, मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है। मम्मी जी पापा जी नमस्ते, आपकी बेटी प्रियंका। वो ठीक भी है माँ? हाँ ठीक है। उसके पैसे आते सारे डाडू के माथे में मारी हो? बिल्कुल मार का अम्मा। देखो दुनिया के बेटा हो, मेरी बेटी किसी बेटे तक कम नहीं। उसे इतनी चिंता है घर की, इतनी दूर जाके कह रही है कि पिताजी चिंता न करे, हम उसका कर्जा भी उतारेंगे और इलाज भी करवाएंगे। पता ना हमने कौन से बढ़िया कर्म करे थे जो भगवान ने हमें प्रियंका जैसी लड़की दी। क्या बात, बड़ी खुशी झलक रही है। पैसों का इंतजाम कर लिया या तारीख भूल गए? ना तारीख भूल ले ना तेरी धमकी भूल ले। फिर के मिल जाएंगे तेरे पीछे। और प्रियंका डार्लिंग कहाँ है? ए ढाडू, जीभ खेचती मैं तेरी जो मेरी छोरी का नाम ले दिया। उठ अंदर से लिखड़। हमने परिवार के परिवार खपाए हैं, भूल गया क्या तू मेरे बाप को? और तू डाडू को छेड़ ला, चल जाएगा पता तुझे। जा सुन ली तेरी धमकी, तेरे पीछे है वे मिल जाएंगे। हेलो। हाँ सालू, उतर गए क्या स्टेशन पर? हाँ दीदी मैं उतर गई, आपने कोई भेजा है क्या? अरे इधर उधर देख लेना, पहुँच गया होगा, नीला सा ट्रैक्टर है, एक बार देख तो सही। हमारा नौकर है वो, नीला सा कुर्ता पहन रखा होगा और नीला ही ट्रैक्टर है। अभी तो कोई आया ही नहीं, और आएगा तो मैं देख लूंगी। ठीक है। तेरा ही नाम शालू है के? हाँ जी मैं ही शालू हूँ। अच्छा ठीक है। ओ हेलो, सुनो तो सही, क्या मूर्ख आदमी है। तने न्यू सोचा होगा, ये तो गया ट्रैक्टर को लेके, उल्टी साइड ते नहीं बैठना चाहिए, इस मारे मैं ट्रैक्टर को घुमा के लाया हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने रोड रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। हैं जी? कुछ नहीं, इट्स ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ यू मुझे पकड़ा दो और आ जाओ तुम। आ जाओ अब आराम से, ठीक बैठ गई? चलो हाँ जी। संभाल के बैठिए। अरे आराम से चलो। लो जी, और देखो सिलेंसर के हाथ लगा के मत ना उतरियो, जल जाएगा हाथ। I know, इतना मैं भी जानती हूँ कैसे उतरते हैं। अरे भाई इंग्लिश भी बोल ले। मेरा बैग पकड़ा दो। मैं ले आ रहा हूँ सामान, मैं ले आऊंगा, तुम चलो। ओके। मौसी जी आ गई। मौसी आ गई। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो मौसा जी? बढ़िया बेटा बढ़िया। मौसी जी बेटा, मैं भी पुचकार दूं। अरे मेरा बेटा। अरे सालू आ गए तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते, ठीक है? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मम्मी पापा ठीक है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ। और कैसे हो लड्डू?
तुम सब कैसे हो? बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो ना हुई तुझे? दिक्कत कैसी दीदी, राजा इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इनकी बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छे आदमी है। अरे सालू बेटा, ये बच्चों की नई मैडम है। हेलो, कैसे हो आप? नमस्ते बेटी। अब ना पढ़ने के बच्चे, इनकी मौसी आ गई ना, अब तू कल पढ़ा लिए। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। जावे मत ना अभी, चाय वाय पी के जाइए, बैठ जा। ए भाई, तू भी खूब है, तूने यह पहचानी कैसे? तू तो जानता भी ना था इसे। अजी मैं तो स्टैंड पे देखती हूँ, बैग से ले खड़ी है, मैं समझ गया था यही है। इसका भी जवाब नहीं भाई, वाह, परेशान तो नहीं करा इसने? नहीं मौसा जी, बहुत अच्छे आदमी है। पट्टा श्यामपुर मैदान अखाड़े में आ रहे हैं, पट्टा श्यामपुर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीजा जी नमस्ते। अरे नमस्ते। ओहो साली साहिब आई हैं आज। कैसे हो जीजा जी? अजी ठीक है। अरे जीजा जी सुनो तो सही, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। 8 दिन में आज प्रेशर बना है इनका, कब्जी हो रही है, बहुत बुरे वाला हाल हो रहा है। तो मैं क्या आपका इस बात का, कब्जी बहुत खतरनाक वाली चीज हो। पुष्पा बेटा ले जैसे चाय वाय पिया, दूर से आई है, थकी होगी, अंदर चल। राजा तुम भी आओ ना। हां मैं तो अच्छा माँ जी, मैं जा रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ जी। अच्छा एक बात तो है, देख कितना प्यार करे उससे, वो गई ना अकेली, उसके पीछे पीछे जा लिया। सही कह रहे हो, तुम तो गहली निकल लिया। हाँ यो है देख प्यार असली इनका। हाँ मारूंगी, पता भी नहीं चल रहा है, ऐसी नौकरी लगवाई है, मैं मास्टर नहीं या नौटंकी। अरे तू मास्टर नहीं है, एक वो माता जी, कभी मंदिर जाओ कभी कुछ करो। अरे तुम मत जाइए, मेरी क्यों जान को आ रही है, मुझे तो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, जी तो ऐसा करा अभी चली जाओ सब कुछ छोड़ के, पर मेरी मजबूरी है। अरे यार जब झूठी शादी में खोपरी पट रही है तो सच्ची वालों का क्या होता होगा। पानी लाऊं तेरनिया? चला जा मेरी नजरों से दूर बस। या तो बिल्कुल ताड़ खा हो रही है आज तो। बहुत बढ़िया हवा चल रही है। बच्चे कहाँ हैं? अंदर नहा रहे हैं। 3, 2, 1। अबे उल्लू के पट्टे, तू भी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे, सीधी गिनती गिन, जी भी तो उठेगा उस्ताद। 1, 2, 3। बस पे नहीं उठा जाता, एक काम कर, तू दूध प्यादे से भी उठेगा। उस्ताद लो दूध पियो। तो नहीं पी रहा? जाए ना रहा उस्ताद। बस होगा दिक्कत तो। उस्ताद हाँ, अब क्या होगा? सारे बेहोश बता रहे हो, पहलवानी में ऐसे छोटे मोटे झटके तो आवे हैं। अबे जब दबा के पहलवानी होगी तो कुछ ना कुछ तो हो गई है, अब दूध पिला। लो उस्ताद। चलो उस्ताद शुरू करो। पट्टा सांपुर जिंदाबाद। अरे गया दिखे तो आज लिकट लिया दिखे। ओह नो। राजा जीजू को क्या हुआ? अरे जीबू जीजू ना, जी तो गया, इसमें तो जूजू रह रही है अब। उस्ताद उस्ताद उस्ताद। इसे ऊपर लुटा लो, खाट ले आओ, कहां इसे जमीन में गेर रखा तुमने यू? करो और जल्दी ले आओ। अरे वे कहां रह गए, खाट खुद ही भगी आ रही है। अरे हैं नीचे हैं उसके, आ जाओ जल्दी आ जाओ। पट्टा श्यामपुर अमर रहे, पट्टा श्यामपुर अमर रहे, पट्टा श्यामपुर अमर रहे, पट्टा श्यामपुर अमर रहे। हमारे बच्चे तो अगति का ना। पट्टा श्यामपुर अमर रहे। अरे जिंदा है यू, अभी खाट पे लुटा लो इसे। ऐसा कर ले। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद। देखिए दूध दिए, दूध दे, पानी दो, कुछ तो दो यार। मैं भीतर नहीं जा रहा, हाथ उठ मिल कुछ इसके। पट्टा शैम्पू अमर रहे, पट्टा शैम्पू अमर रहे, पट्टा शैम्पू अमर रहे। जाओ तुम्हें नारे भा रहे हैं, जीजू ठंडे पड़ लिए। ठंडे ठंडे नहीं पड़े, अभी ये सोच रहे हैं, अभी उठकर दाव मारेंगे। हाँ दाव मारेगा, सांस इसकी चल नहीं रही, यू दाव मारेगा। अरे मूर्खो इसको जूती सूंघा दो। अरे इन्हें ठंडा पानी पिला दो। हाँ हाँ अरे जाइए भाई पानी ला। पट्टा शैम्पू अमर रहे, पट्टा शैम्पू। अरे यार अमर जाओ पानी देख लो, जल्दी आओ पानी दे।
अरे होश में आ गया, होश में आ गया होश। अरे भाभी जी तुम्हें तो सारी बात पता है इसकी। जब तक ब्याह हुआ ही इन्हें ड्रामे देख रही हूँ क्या मैं? ड्रामे बता रही है? पहलवानी में ऐसे छोटे छोटे झटके आते रहे। हाँ। और जब दबा के पहलवानी होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ। ला रहे दूध पिया। लो उस्ताद। पट्टा शाम्पूर। पट्टा शाम्पूर। जिंदाबाद। पट्टा शाम्पूर। जिंदाबाद। की बात है, कैसे चुप बैठी है? बस बैठी हूँ, और क्या नाचन लगूं। वैसे भी मतलब क्या है तुझे, तुझे तो मिल रही है ना हारने वाली, आगे पीछे घूमता रहा उसके। अरे किसकी बात कर रही है तू? वही पहलवान की साली जिसे लाया था तू स्टेशन पे से। अच्छा तो रे ऐसी कोई बात ना है। अच्छा वो तो बहुत लाइक करे है तुझे। लाइक यू के हो? अच्छा जैसे पता ना तुझे पसंद करे वो तुझे। अरे मुझे तो सभी पसंद करे। राजा प्रियंका बेटा। नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते जी बाबूजी। बेटा राजा कहाँ है? वे भी यहीं है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। कल पुष्पा का जन्मदिन है। अच्छा चाय नाश्ता बनेगा, खाना पीना बनेगा, सब काम होना है, सवेरे से जल्दी रहना है तुम्हें वहाँ। अजी या भी कोई कहने की बात है, सारा इंतजाम मैं ही ना देखूँगा। हाँ बिल्कुल, कल समय पे आ जाइयो फिर, ठीक है भाई? हाँ जी। और सब ठीक ठाक तो है? हाँ जी। जी लग रहा है यहाँ? बहुत जी लग रहा जी। चलेंगे? आजकल बहुत जी लग रहा ना, वो मिल रही है ना मंडराने वाली, तू ही चला जियो, मैं ना जाने की जन्मदिन मनमदिन में। अरे कैसी बात कर रही है तू, हमें ही तो रहना वहाँ, फिर देखा नहीं खुद पिताजी कहना आए हैं। तू ही चला जी, तुझे कोई रोक रहा? अरे दोनों चलेंगे, ऐसा नहीं करे करती। हम यहाँ नौकरी करन आए या बेगार करन आए? अरे यार बेगार बेगार कुछ नहीं होती, तू बात को समझ, इस नौकरी को क्यों कर रहे हैं हम? और फिर वे किसी गलत काम की ना थोड़ी बुला रहे हैं, हमें वे जन्मदिन में ही तो बुला रहे हैं। चल तू जा, तू नहीं समझे, जा बाद में बात करते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पट्टा शाम्पूर जिंदाबाद। पट्टा शाम्पूर जिंदाबाद। उस्ताद जी और तो कुछ दिखाओ, करता और दिखा रहा हूँ। हाँ। एक तो यू, यू क्या था? यू गर्दन तोड़। गर्दन तोड़। और यू है पुट्ठी मार। क्या है? पुट्ठी मार। अच्छा और जब मुझे आदमी को एकदम पटक के ही मारना तो नू पकड़ नू घुमा के नू मारू मैं, आई समझ? अच्छा वो दिखाओ ऊपर पैर नीचे पैर, उसे भी दिखा रहा हूँ। वो दिखाओ, वो ऐसे है, यू ऐसा है, यू है चक्कर डंड, यू सबके बस की बात ना, इसे मैं ही कर सकता हूँ। पट्टा शाम्पूर जिंदाबाद। पट्टा शाम्पूर जिंदाबाद। अरे रैंडन के पैर तो ऊपर गोरे थे, मैंने क्या सिखा रहे? मन ने तुझे सोबर कह ली, जब मैं पहलवान नहीं करूँ तू खड़े मत आया कर, मत आया कर, पर तू नहीं मान रही। ये ड्रामे बाजी तो दिखाओ मत ना, आज मेरा जन्मदिन है, चल के केक कटवा दो। अब तेरे जन्मदिन के चक्कर में मैं अपनी पहलवानी छोड़ दूँ? जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी, मेरी दीदी का जन्मदिन है, चलो ना। साली जी, मेरी प्यारी साली जी, मैं औरतों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आता। तब मानू ना के? मैं बिल्कुल नहीं मानू, बता केक रहे। पापा जी चलो ना मम्मी के लिए केक कटवा दो। लाली तू मेरे पे खामो खा क्यों केक कटवा रही है? अरे मुझे अपनी पहलवानी करने दो, तुम केक अपने आप काट लो। और ये जो पहलवानी कर रहा हूँ ना मैं, यू अपना खानदान का नाम रोशन के लिए कर रहा हूँ, ठहर लियो कर रहा हूँ मैं इस पहलवानी को। जीजा जी आपकी पहलवानी चलती रहेगी, आप अंदर चलकर केक कटवा दो, फिर आकर अपनी कसरत कर लेना। एक शर्त पे चलूंगा। क्या शर्त है? के वहाँ जाकर मैं अपने कर्तव्य जरूर दिखाऊंगा। दिखा लो कर्तव्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कर्तव्य दिखा ले तो मान ले मेरा जन्मदिन, चल सालू। अरे मका चली जा सोनी शकल की, ना भुंडी शकल की। सुनो तो उस्ताद, केक बना रखा होगा वो खाओगे मजा आ जाएगा खा के केक। अरे एक बात तो बता। हाँ बोलो। उसमें बादाम भी गिरे होंगे? हाँ। छुआरे भी? हाँ। उस्ताद चलो ना, साली आई है बुलाने। अबे बैंगन से तू भी खाइए, आज तुझे भी छूट है। अरे वो धड़े से तू भी खाइए, तू भी बहुत खावे और सारे मिलके खाऊंगे। देखिए तू न्यू कह रही थी लेट चलेंगे, यहाँ तो प्रोग्राम भी चल रहा। अरे राजा बेटा आ गए भाई, आओ भाई। नमस्कार जी। हाँ भाई राजा, आज पुष्पा का जन्मदिन तो है ही। हाँ जी हाँ जी। और आज मेरे कुछ कर्तव्य भी होने हैं? हाँ जी कर्तव्य आपके जरूर होने चाहिए, पर हाथ थोड़ा हल्का रखियो, उस दिन की ढाल ज्यादा कुछ कैडा मत करियो, कदी आंख पलटी की पलटी रह जा।
ओ बाबा तू टाल मारिया करतब दिखाने की, मेरा जन्मदिन राज्य खुशी हो लेने दो। तुझे तुझे तो पहलवानी के बारे में कुछ पता ही ना, और ना तू जामा पहलवान को आज तक समझ पाई। आज पहलवान जी करतब दिखाओगे पूरे होशो आवाज में दिखाओगे। भाई साहब करतब तो जरूर दिखा लेना, पर ज्यादा रिस्क मत लेना। मास्टर ने जी मेरी पहलवानी रिस्क पर टिक रही, मैं तो ना और कुछ नहीं सिखा रहा, मैं तो मैं पहलवानी के कुछ गुर दिखाऊंगा जो थारी समझ में आ जाए तो। अरे रहन दे इस रिस्क को, यू जन्मदिन मन रहा दंगल ना हो रहा, इसे ठीक ठाक हो जान दे। पिताजी तुम समझ नहीं रहे हो, ये जरूरी है अगली पीढ़ी के लिए, जब भी तो इनका मनोबल बढ़ेगा। बढ़ रहा हमारा मनोबल तो, थारे ड्रामे हमने बहुत देख रखे है। अरे पजामा जी, जब सब मने कर रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते हो, थारी कुश्ती तो मैं करवा दूंगा। मैं थारी बातों में बिल्कुल नहीं हूँ, आज मैं करतब दिखा के रहूंगा। ओ भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, इस केक को कट लेन दे, इन बालकों को भूख लग रही है, तेरी गोदी में सोल लग रहा है, दिख रहा ना दिख रहा तुझे, सबेरी दिखा लिए जो दिखाना। हाँ, जी, कटन दो। अरे चलो चल भाई, बहू केक काट। नहीं नहीं बात बतान मन रहा। चलो जी काटो काटो केक काटो। चल लाली क्या कह रहे हैं वो बड्डे बड्डे साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जीती रहे बहू जीती रहे, हमेशा खुश रहे। मुझे वहां फंसा के यहाँ बैठा आराम से, और आज के बाद मेरे से बिना पूछे कहीं प्रोग्राम में जाने की हाँ मत बोलियो, समझ गया ना? आया बहू वाला बहू बहू। अरे यार गुस्से में हो रही है, चाय बनाऊं के? चाय तो पी लेती, और कुछ पानी पूनी? अरे यार अब तू एक काम तो कर, मेरे लत्ते तो दे दे सोने के। हैं? तकिया भी था, अब ठीक है पूरा काम हो गया। के सारे काम कर देता हूं, खुश हो जाओगी। Thank you.
बात हो गई? कुछ नहीं माँ जी, जाना था इसलिए आपको देख रही थी। सारे काम हो गए भगवान, कोई और काम रह रहा हो तो मुझे याद दुआ दे। क्या कर रहा है? हैं? आगे तू आजा, तेरे सब काम निपटा दिए देख। और देख लत्ते धोल लग रहा हूँ। क्या है ये? हैं? सरप है? ये चीनी है, चीनी से धुल दूंगे कपड़े। हैं? चीनी है? चाय बन गई। और ये क्या कर रहा है? चाय बना दी सरफ गेर के। ओह नो सरफ। सरफ गेर के बनती होगी चाय? सरफ गेर दिया इसमें। हे भगवान, हे महाराज, ये क्या करा दिया तूने? मेरा सूट जला दिया सारा। ये जल गया, कैसे जल गया? हाय राजा। क्या कर रहे हो? मैं चाय वाली प्रेस बना रहा हूँ, चीनी वाले कपड़े धो रहा हूँ। आओ बैठो। नहीं मैं बैठने नहीं आई, मैं बस ऐसी चली आई। वैसे आज तुम खेत पर चलोगे तो साथ मुझे भी लेकर चलना, उस दिन तो मैं नहीं जा पाई थी। हाँ हाँ लेके चलेंगे। सालू तुम यहाँ आई हो तो मैं घर वाले ढूंढ रहे होंगे। अच्छा मुझे बुला रहे हैं, ओके मैं जाती हूँ। अच्छा ये बुलाई होगी मेरी गैर हाजिरी में तूने। मैं क्यों बुलाता, ये तो अपने आप आई है, वो तो बिचारी खुद ही बहुत अच्छी है। ये अच्छी है तो इसी के साथ चला जाना तू। क्या कर रहे हो राजा? मैं तो जी ट्रैक्टर साफ कर रहा हूँ। गुड़िया मेरी नजर तुझ पे ही है, आज तो मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाओगे। सोनू तू अपने काम पे ध्यान दे, काम पे। अजी तुम रहने दो जी, तुम्हारे जैसो का काम है। नहीं मुझे भी सीखना है, जब आप खेत पर चलोगे तो साथ में मुझे भी लेकर चलना, मुझे खेत देखना भी बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया सोनू को डिस्टर्ब क्यों करती है, समझती क्यों नहीं है? ठीक है जी, जब मैं चलूंगा चलियो, इसमें क्या बात है? गुड़िया तुमको समझ नहीं आता, दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाते, इतना भी सेंस नहीं है। आओ राजा चाय पीते हैं, साथ में तुम्हें नाश्ता भी कराऊंगी। गुड़िया तुम्हें दूसरों से चेप होने में ज्यादा मजा आता है। अजी मुझे पहले ही काम निपटा लेने दो। राजा काम बाद में कर लेना, पहले तुम चलो मेरे साथ। अजी सुनो तो सही। अरे चलो ना। सोनू ये क्या हो रहा है, खड़े हो जाओ, चलो घर जाओ, बाकी काम कल करेंगे। चलो राजा घर चलो। मैं तो अभी खेत पे जाऊंगा, जब आऊंगा। खेत पे जाना है तो खाना खा के चले जाना, घर चलो। खाना तो सालू भी कह रही है। यहीं खा लेना, जा रही हूँ मैं। आओ ना राजा। चाय बना रही है के? चाय बना रही है के? हाँ तो? तो दो कप बना ले। नहीं मैं अपनी बना रही हूँ बस। हटा तो फिर मैं बनाता हूँ दो कप। हटा, हटिए मैं बना रहा हूँ। ना तू जा यहाँ से, मैं बना लूंगी। हटा तो फिर मैं खाने के लिए अभी कुछ बना लेता हूँ, ले हटिए। ना तू जा वहीं खा ले, वहाँ खा के आना, वहीं खा ले। अरे मैं कहीं ना खा रहा, तू यार बस तू जा, चला जा यहाँ से। राजा अंकल आपको शालू मौसी बुला रही हैं। शालू बुला रही है? हाँ जी अंकल। अच्छा चल मैं आ रहा हूँ। कहाँ चल दिया? अरे वो शालू बुला रही है। बैठ जा चुप। बैठ जाएंगे? और तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है। हैं? अब एक कप चाय तो पिया दे।
चिंता खत्म होगी होगी बहू, बच्चे अब तो ठीक पढ़ रहे हैं। मांग नहीं धाड़ है, सब पहलवान अखाड़े से बाहर है। पट्टा शैम्पू, पट्टा शैम्पू, पट्टा शैम्पू। कहीं गया था के बाहर आज यू? पता ना, 11 बजे तक तो यही थे। अच्छा, यू कहाँ पीट सी के आया? अरे तो फेरिया जुत्ती क्यों हाथ में ठा रखी भाई? अजी बाबूजी, पट्टा शामपुर अखाड़े में भागा तो भाग तो भाग तो टूट गई। ज़्यादा झूठ बोल रहा, असली बात नहीं बता रहा। जब मैं अखाड़े में गया पिताजी, वहाँ जैसे घर हो रही थी। पट्टा शामपुर हो रही थी। पट्टा शामपुर जिंदाबाद, पट्टा शामपुर जिंदाबाद, पट्टा शामपुर जिंदाबाद। ओ जिंदाबाद, सुन तो लेन दो, क्या कह रहा यू? पिताजी जब मैं अखाड़े में गया तो मुझे देख के पहलवानों में भगदड़ मच गई। ऐसी भगदड़ मची जिंदगी में आज तक कभी नहीं मची। अरे तू बकवास तो करे ना, सही सही बता क्या बात हुई। तुम ना करो यकीन इसका कभी भी। बेटा तू बता क्या बात हुई थी। माँ जी उस्ताद जी चिल्ली मार रहे थे। सारे जब मैं ठाका मारूं मैं पहलवान को चिल्ला के मारूं मैं। अरे डर के किल्ली मार रहा होगा यू? 51,000 रुपए का सिल्ला हो, 51,000 रुपए के सिल्ले में तुम्हें पता कितना बोझा हो? इसके वजन से दुगना कितना बोझा ले रहा तू? इब ना बोले बहू, इसके लिए गरम पानी ले आ। इसका तो गला भी बैठ गया और जबान भी ना हिल रही। बने पहलवान, जबान भी ना हिलने की इस पे, हैं? उस ट्यूब सी पे लटका रहे। अरे बता भी कितना बोझा ले रहा तू? जीजा जी, मौसा जी वेट पूछ रहे हैं। 40+। उम्र नहीं पूछ रहे हैं, वेट बताओ। हम भी वेट ही बता रहे हैं। पापा जी कहाँ गए थे आप? बेटे आज तेरा पापा इंगेजमेंट घोषित हो गया, और गांव वालों को और परिवार को ये गर्व होना चाहिए कि मेरे जैसा पहलवान हुआ। और जब भगदड़ मची खाने में तो ऐसा लग रहा था उन पहलवानों की आंखों में इतना खौफ था जो आज तक कभी नहीं देखा होगा। अरे ओ तू नहीं बतावे, हम बतावेंगे। जिबियो वहाँ पहुँचा आना, वो दंगल निपट लिया। सब अपने अपने घर को जान लग रहे थे, और इसने सोचा इसे देख के डर के जान लग रहे। या थी बात पिताजी से यूं तो पूछलन का चोट चाट तो ना लगी, इनकी आवाज ना निकल रही। बोलो की पट्टी, पहलवान की बेइज्जती कर रही है, खा का पटक तुआ। ए कदी काटू तेरी ये पहलवानी, बदतमीज हो रहा। दीदी आप डॉक्टर को बुलवा लो, रात को कुछ परेशानी हो गई तो कहाँ से डॉक्टर आएगा। कैसी बात कर रही है, कुश्ती जीत गई हूँ मैं कुश्ती। और एक बात और सुन ले, तेरे गांव में कोई बोला पहलवान हो तो लड़ा ले। पट्टा श्याम सिंह के सामी, श्याम सिंह नहीं शामपुर, पट्टा श्यामपुर के सामी। एक सेकंड मेरे रुका जाएगा, पिड़की बना दूंगा पिड़की। पट्टा श्याम जिंदाबाद, पट्टा श्याम जिंदाबाद, पट्टा श्याम जिंदाबाद। जीजा जी जीत कर आए हो, साथ में कुछ लाए हो या बस खाली हाथ हिलाते आए हो? तुम बैठ जाओ, मैं थारे लिए कुछ खाने का लाऊं, ना तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। चुप, साली बकवास कर रही है, कुछ मत ला मेरे लिए। और तू एक काम कर ले चल, अरे ले आओ दूध में के ओ पहले पहले सो ओ के ओ। हल्दी, हल्दी कह रही थी, हल्दी ले आओ। हल्दी घनश्याम तुम इन्हें अंदर ले आओ। ठीक है जी, ले रहे। मैं गरम पानी वहीं कर दूंगी। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद, पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद, पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद, पट्टा श्यामपुर। अरे आजा राजा, पूरे दिन कहाँ रहा भाई तू? अरवा प्रियंका भी दिखाई ना दे रही आज, वह भी पढ़ाना आई बच्चों को। अजी वाह ना आवे आज। क्यों? वो माँ जी उसकी तबीयत सी खराब हो रखी आज। तो बेटा ले जाओ से डॉक्टर के, दिखा के ला, तू यहाँ अकेले रहा। हाँ जी दिखा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी दिखा देंगे नहीं भाई, जा तू डॉक्टर को बुला के ला। यूँ ना दिखाने का आई, तनु घूमता फिर जाओगे, तुम जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। मैं काम कर लूँ जी, फिर दिखा लूँगा। अरे काम का भी हो जाएगा, तू काम को छोड़, दिखा ला भाई। तू जल्दी जा, बहू को दिखा पहले। जा बता कितना लापरवाही है। अरे के बात हुई, लत्ते क्यों धरन लग रही है? जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ, के बात हो गई? कुछ भी ना हुआ। कुछ तो बात हुई होगी, बता तो सही, तबीयत ठीक है तेरी? तुझे मेरी तबीयत से क्या मतलब, तू अपना काम कर। अरे मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, पर बात क्या हुई बता तो सही। कुछ नहीं बताना, मैं पहले ही महीने जाना चाहती थी, तूने जाने नहीं दिया। अब तीसरा महीना लग गया, मैं बिल्कुल नहीं रुकूं, मैं तो जा रही हूँ। अरे तीसरा महीना बता रहे, ये तो बहुत खुशी की बात है।
ऐसी हालत में तो वैसी तबीयत खराब रहे, इसे राजा को ना पता कुछ भी। हाँ, अरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, 10 और भी बात हो जा, बुखार सुखार भी आ जा। ठीक कह रहे हो तुम, लाओ डॉक्टर को बुला के। हाँ मैं डॉक्टर को बुला के ला रहा, और कुछ खाने पीने की चीजें बनवा। हाँ, सही कह रहे हो। चल, या तो बहुत बढ़िया बात होगी। अरे छोड़ ना इसे, तू छोड़ दे तू यार, कुछ बनाओगे पहले खाऊं। नहीं बना रही कुछ भी। अरे चल तो सही, देख मैं बना रहा हूँ, तू बैठ। अरे ये चप्पल भी। हाँ सब्जी कहाँ गई? अरे या धरी, आज ऐसी सब्जी बना दूंगा या अभी के याद रखे। आ बैठ, छोड़ दे तू मुझे। आजा सब्जी बनाऊंगे, छोड़ आजा, चल चक्कू मार दूंगी तुझे। ओह नो, छोड़ मुझे। अरे राजा, ए राजा, ओए देख, ओए डा डॉक्टर को लेके आगे, सुन तू यहाँ लौट जा, जल्दी 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 कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे डॉक्टर साहब आ गए राजा। अरे बाहरा, अरे यू भी परेशान है, डॉक्टर साहब आओ अंदर ही आओ। अरे राजा बेटा, बहू की तबीयत कैसी है अब? अभी आराम लगे जी। अरे चिंता ना मानिए, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब देखियो एक बार। भैया हाथ तो काफी गर्म हो रहा, बुखार तेज है। बुखार ना आज, इसको छो में गर्म हो रही है। क्या मेरा मतलब है जी, बुखार बहुत घना हो रहा जी, तेज है। मैं इसे गोली दे देता हूँ भाई। गोली मत दियो जी, गोली मत दियो, गोली गोली तो इसके दौरा पड़ जा जी। जी पहले भी इसे एक डॉक्टर ने गोली दे दी थी जी, या चक्कू लेके उस डॉक्टर के पीछे भाग ली थी जी, डॉक्टर भाग गया था जी। गोली मत दियो जी, इसके दौरा पड़ जा जी। तो ठीक है, इंजेक्शन लगा देता हूं। जी इंजेक्शन तो दौरा और तेज हो जा जी इसका। गोली तो चक्कू लेके भाग गई है जी, इंजेक्शन तो चक्कू मार ही दे वे जी। अरे कुछ ना हो डॉक्टर साहब, तुम इंजेक्शन लगाओ लगाओ लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। अरे डॉक्टर साहब सुनियो, अरे डॉक्टर साहब रुको, डॉक्टर साहब बहू बीमार है, चाय पिएगा? चाय तो मैंने ना बनाई, और मैं तो घर जाऊंगा वहीं पी लूंगा। वहीं पी लूंगा, मर जा, मैं बनाने लग रही, यहीं पी ले चाय। ठीक है मैं पी लूंगा, तू पी ले पहले, फिर उसी में घाल के दे दिए। खामा खा दूध क्यों करे, दूसरे में क्या हुआ? अरे मैं तो छुट्टी होने के मारे कह रहा हूँ। मैं धो दूंगी, ला रही हूँ, पी लियो। अरे राजा कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आज मैं तुम्हारे साथ खेतों पर घूमने चलूंगी। हाँ जी चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? चलो फिर चलते हैं। मैं एक बार चाय पी लूँ जी, फिर चलते हैं। चाय तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों की एकदम कड़क बना के पिलाऊंगी, जिससे तुम्हारी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी। अरे ये रोनी सी सूरत क्यों बना के रखी हुई है? रसोई का सामान भी आएगा आज। अरे प्रियंका जी आप भी यही है, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। जो देखना ही वो तो दिख रहा है ना। चलो राजा पहले हम खेत पर चलते हैं, रसोई का सामान बाद में आ जाएगा। नहीं सामान आ जाएगा और अभी आएगा, चलो उठ के लेके आओ। चलो राजा पहले हम खेत पर चलते हैं। एक तो राजा तुम मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाना, दूसरा पेड़ से आम तोड़ना सिखाना। अरे राजा कहाँ घूम रहा है भाई? मैं तो जी वो खेतों पे कह रही थी घूमने की निया। अरे इसे खेतों में मैं घुमा लूंगा, तू एक काम कर बाजार चला जा। बाजार क्यों जी? अरे इसकी घनश्याम की साथ जा तू, वहाँ कुछ घर का सामान आना, कुछ उस पहलवान का सामान भी आना, उसका सामान भी सपट रहा। हाँ जी हाँ ठीक है जी, ले आऊंगे, चले जाएंगे। चलो भाई ऐसा कर लो, आओ तुम जाओ। ठीक है जी जा रहे हैं जी। हाँ सब है, ट्रैक्टर ले जाइयो। ठीक है जी। चल लल्ली तू मेरे साथ चल, क्या देखना खेत में तुझे? ऐसी मन कर रहा था। मैडम सो रही है, तू अपना काम कर। तेरी नागन जैसी कमर पर चोटी मन्ने घायल कर जासे,
तेरी नागन जैसी कमर पर चोटी मन्ने घायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे चाहूं मानना मैं तो तेरी गैल रे तेरी चढ़ती हुई जवानी चुबावे कसुते सैल रे ओ प्यार कपाला चाहूं मानना मैं तो तेरी गैल रे तेरी चढ़ती हुई जवानी चुबावे कसुते सैल रे मारी सुन्नी पड़ी गाल मर खुड़ के तेरी पायल कर जासे मारी सुन्नी पड़ी गाल मर खुड़ के तेरी पायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे करी ऊपर आले ने सोदा खास बनाया से परिया ने भी फैल करे तेरे हटके माल लगाया से कला करी ऊपर आले ने सोदा खास बनाया से परिया ने भी फैल करे तेरे हटके माल लगाया से तेरी आँखियाँ के नजराने मेरी गला छलिए कर जासे तेरी आँखियाँ के नजराने मेरी गला छलिए कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे तेरा दीवाना देखे जा सबाट रे तू साल सोलवा टपगी जाल जो बन की मत डाट रे यो दिल हो गया से तेरा दीवाना देखे जा सबाट रे तू साल सोलवा टपगी जाल जो बन की मत डाट रे तेरी शान मैं हसपुर आला बोल कसुते घड़ जा से तेरी शान मैं हसपुर आला बोल कसुते घड़ जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे तेरी 47 सी ये नजर मन घायल कर जासे पट्ठा शामपुर पट्ठा शामपुर पट्ठा शामपुर जिंदाबाद पट्ठा शामपुर जिंदाबाद पट्ठा शामपुर जिंदाबाद पट्ठा शामपुर जिंदाबाद ये दिखे काम जोर से काम से डरी हुई होलिया ये पुष्पा देखे के हो गया क्या को बताऊंगा को मर जा देखे तेरे खसम का के हो गया पट्ठा शामपुर जिंदाबाद पट्ठा शामपुर जिंदाबाद क्या हो गया इसके मजे देख के सांस भी चल लेगा ना अरे मिर्गी विरगी तो ना आ गई इसे माँ जी मुझे पता है ना चक्कर आ गए होंगे उल्लू की पक्षी बकवास कर रही है एक कौन चल गया पहलवान दोबारा काम नहीं आ इसे नहीं छोड़ने का इसकी नार तोड़ दूंगा बड़ी मुश्किल से हाथ आया हूँ आज साले तू आज गामा पहलवान के कब्जे में आया आज दूंगा तुझे यहाँ छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी तेरी तलाश में मैं बहुत दिन से था छोड़ दूँ नहीं तुझे मार दूंगा साले खत्म कर दूंगा तुझे आज मैं तेरी तलाश में बहुत दिन से हूँ फाड़ूंगा तुझे आज मार दूंगा तो उतना हमें डरा दिए ठीक है तो चल परा जब यू गामा पहलवान कुत्ते जीत लेना तो अंदर ले आओ मैं दूध गरम कर रही हूं मार दूंगा बीच के मार दूंगा पट्ठा शैंपू बहुत दिनों से तलाश थी मुझे तेरी आज तो तुझे छोड़ने के लिए तुझे हमारे बिना छोड़ दी छोड़ो जान से मारो क्या छोड़ो 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 छोड़ो
जब तो बड़ा प्रियंका वाला हो रहा था, बड़ी चिंता दिखा रहा था, ये नहीं होने दूंगा, परेशानी नहीं आने दूंगा, साथ रहूंगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब कहां गई वो चिंता? 9 बज गए अभी तक आया नहीं, मस्ती मार रहा होगा खेत में। प्रियंका, प्रियंका, ओह, प्रियंका के बात है, न्यू क्यों बैठी है? होता के कहाँ कहाँ घूम आया? अरे घूम के कहाँ आया, जैसे ही हम यहाँ लिकड़े तो गली में पिताजी मिल गए, उनकी गैल घनश्याम भी था। पिताजी कहने लगे तू घनश्याम की गैल बाजार चला जा सामान लाना घर का, तो मैं उसकी गैल चला गया, बस वहीं देर होगी। और वहाँ सालू मैडम जो तेरी गैल गई थी? अरे वह तो पिताजी की गैल खेतों पे चली गई थी, फिर मुझे ना पता क्या होया, मैं तो घनश्याम की गैल चला गया था। और ऐसा कितना सामान लाया? अरे सामान तो घना ही आया, कुछ तो घर का सामान आया राशन का, और कितना ही सामान उस मनोहर पहलवान का आया, बादाम मुनक्खे छुआरे पता नहीं के क्या आया। हमें तो पता नहीं ऐसा कैसे सामान लाया, रोटी रखिए खा लियो। राजा उठो, लो चाय पी लो। चाय बना ली? हाँ। सुन, हाँ। तू सालू के साथ ज्यादा मत घूमा कर, कल तो चला गया, अब मत जाइयो। क्यों? ये अच्छी बात थोड़ी है किसी के साथ भी चल दिया, पता नहीं कौन क्या कर दे। क्या कर देगा? अरे मेरे धोरे कौन सा धनमाल धरा जो लूट लेगा, वो तो बिचारी इतनी अच्छी है, इतनी सोहनी है, वह क्या करेगी? इतनी अच्छी तो शादी कर ले फिर उससे। अरे मैं ना कर रहा शादी वादी, पर मुझे करना के है, न्यू तो बता दे। कुछ नहीं करना, उससे दूर रहना बस, समझ गया ना? दूर रह लेंगे भाई, मेरी कौन सा रिश्तेदार लग रही है। यहाँ भी आ लिया, बिस्तरी मर लिया कर। पिताजी अंदर हो रहा घोट, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, शरीर खुल गई नहीं दे रहा यू तो। ओ शरीर नहीं खुल रहा, तेरा जितना शरीर खुलना था ना उतना शरीर खुल लिया, और इन दोनों का भी, समझ गया? अरे भित्तरी रह लेकर तेरे इस गात पे किसी की नजर लग जाएगी। मारे उस्ताद ना, दो दो तागे बांध रखे। नजर कैसे लगेगी जी? उस्ताद दूध पियो। इसका कुछ नहीं होने का भाई। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते, यू कैसी नमस्ते भाई? सालू अपने घर जा रही है, मैं तुमसे बताना भूल गई। अरे घर जा रही, इतनी जल्दी कैसे घर जा रही भाई, कुछ दिन बाद चली जाइए। मौसा जी मन तो लग रहा था, लेकिन अब एग्जाम आ गए हैं तो जाना पड़ेगा। आप इतने अच्छे हैं और मौसी जी इतनी अच्छी हैं, राजा जी भी बहुत अच्छे हैं, और प्रियंका मैडम भी बहुत प्यारी है, और जीजा जी का तो जवाब ही नहीं है। और हाँ एक काम करिए, तेरे आसपास कोई पहलवान हो ना तो मैसेज कर दियो, बाकी काम मेरा। मैसेज क्यों? मैसेज क्यों? अरे मैसेज में ही उस पहलवान को अपने सपने में ना ले लेने का, और फिर वही ठोकेगा, वही मोड़ेगा उसकी गर्दन। चलो राजा चले। हाँ जी। अरे नहीं भाई राजा, मुझे भी कुछ काम सा है, इसे लाली को मैं ही छोड़ दूंगा, तुम सब खेतों में चले जाओ। ठीक है जी। ठीक है नहीं, चल बेटा। अरे रखो सामान गाड़ी में। ठीक है जी। ठीक है दीदी, चलती हूँ। अच्छा ठीक है सालू, बढ़िया से जाइयो।
जी तेरा बेटा, राम राम कह दे अपने मम्मी पिताजी से। चल बेटा चल। अच्छा जीजा जी। ना ना बाम अच्छू ये, मैं पहलवान आदमी हूँ, पढ़ाई और तो से दूर रहता हूँ। ठीक है जीजा जी। अरे थम जाओ, आ बेटी। पार तो उस्ताद आस्तो, लगा जोर, लगा तो ऊपर से लेके नीचे तक, मेरे घर को भी खींच मारो उस्ताद। उस्ताद दूध पियाऊं क्या? दूध पी ले बादाम वाला, ले दो बादाम घेर रखे इसमें। ले ला दे, इसकी तो जरूरत थी। अब क्या फाड़ के फेंक दूँ? मैं बंटे से आज कैसे ना खींच रही हूँ। लगा तो ऊपर से लेके नीचे तक जोर। उस्ताद वैसे तेरे बस की कुछ है नहीं। वैसे पहलवान जी क्या हो रहा है? क्यों माड़ा सा ना खींच रहा तेरे पे? तो मैंने पेड़ के पेड़ उखाड़ दिए, पता ना के बात है, बंटा सा नहीं खींच रहा आज। खींच से बट्टा शामपुर, हमने बोलने के जिंदाबाद। जब तक तुमसे रस्सी ना टूटे। अरे तेरा बेकूफ बना रहे हैं ये। कैसे? देखा आएंगे को यहाँ बांध रखी है तो यार तेरी बहन को मारू भूखे से टूटी है। मैडम आज इन्हें यहीं पे पढ़ा लेना, मैंने पार्क में पानी दे दिया है सुबह। ठीक है, यहीं पे पढ़ लियो और अच्छे से पढ़ाई करियो। आजा कुश्ती लड़ ले। अरे ये काम कर लेने दे, कुश्ती लड़े। अरे डर रहा के, आजा दाव सिखा दूं। अरे रहन दे तू, कुछ काम कर लेने दे। अरे डर रहा ही तो। अरे आजा यार तू पंजा लड़ा। अरे मुझे काम कर लेने दे। लड़ा ना। अरे मान जा तू, पहलवान हूं मैं, आजा पंजा लड़ा। जा तू काम कर लेने दे। अरे आजा भाई, कुश्ती लड़नी पड़ेगी यहाँ, पट्ठा शामपुर है, आजा। अरे रुक जा, कहाँ ले जा रहा? अरे यही लड़ ले ना, वहाँ कहाँ ले जा, यही लड़। अरे मार दिया रे। अरे हाँ बांध दे, फाड़ गया पेड़ से तुम्हें। जिंदाबाद। ये तो बहुत छोटी चीज है, मार लियो। पेड़ उखाड़ देना उस्ताद, उखाड़ दो। जोर लगाओ उस्ताद, जोर लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्ताद मार दो से, उखाड़ दो। दूध दे। ले उस्ताद दूध पी, दवा शक्ति आवेगी। पार दो सालों को उस्ताद पार ही दिया आपका दूध पी के। हाँ जान सकी। आ गया सो हाथिया का बल। क्या बार दे मार दे। क्या 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 सब क्या करे। तेरा मैंने बहुत पेड़ पाया से। थोड़ा सा फर्क है। देखिए नीचे देख। फट गया, फट गया जी, फट गया, फट गया। उस्ताद जोर लगाओ। फट गया होगा देख, मैंने बहुत पेड़ पाया। हार दो उस्ताद, मेरे बदाम की तरह हार दो। अरे के बात होगी, जो लत्तों में से लिकड़न को हो रहा। पिताजी आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। अरे किस बात का फैसला? बाबूजी राजा भैया ने हमारे पहलवान को रस्सियों में जकड़ दिया था। अच्छा, सारे गुटके से रस्सी बता रहा, पेड़ियों में जकड़ दिया मुझे, रस्सी को तो मैं नहीं तोड़ देता। अरे क्यों जकड़ दिया, के बात होगी ही? अरे के बात होती, राजा काम करन लग रहा होगा और यू से रोक रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे बाबूजी, यही बात थी। और इस कांड का बदला मैं जरूर लूंगा। अरे बदला तो तू ले लिए, तुम एक काम करो, इसे ले जाओ, इसकी मालिश वालिश कर दियो। पिताजी मैं इसे ठाए का पटकूंगा, फिर नू मत कही हमारा नौकर तोड़ दिया। अच्छा के हो थारा वो सिल्ला विल्ला सा, जिस दिन तेने से ठाकर पटक दिया ना, 50,000 का इनाम तुझे मैं दूंगा। पिताजी
50,000 गिन के धर लो। अगली खबर मेरे पटकने की आओगी। मेरे? मेरे नहीं, इसके पटकने की आओगी। हाँ पटा श्यामपुर पटा श्यामपुर पटा श्यामपुर पटा श्यामपुर पटा श्यामपुर। प्रियंका बेटा आजा बतेरे पढ़ा लिए बालक, आजा तेरे से कोई बात करनी। चलो बच्चों जाओ बैठ जा। बैठ बेटा। राजा बेटा तू भी आजा। प्रियंका जी बेटा ये लो अपने 66,000 रुपए, 45,000 रुपए आपके हैं और 21,000 रुपए राजा के हैं, और बाकी जो हमने 10,000 रुपए एडवांस दिए थे ना उन्हें हम आगे लगा लेंगे, उनकी कोई बात नहीं। लो बेटा। ये तो बाद में भी आ जाते बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी। कोई बात ना बेटी, धर ले तू 3 महीने से मेहनत कर रही, पैसा टाइम पे मिले जब ही अच्छा लगे और जब ही जी लगे काम करने में भी। बेटा हम तो हर महीने पैसे दे देते, तभी कहने लगे कि 3 महीने के इकट्ठे दे दियो। बाबूजी मेरे तो 45,000 रुपए मुझे दे दो, 21,000 रुपए इनको दे दो। ना बेटी, पति की कमाई का हक पत्नी को ही बने, पति को और पैसे को मुट्ठी में रखना चाहिए। अच्छा बेटा तुम लोग जाओ खाइयो पियो भाई। नमस्ते जी। नमस्ते। संभाल कर ले जी बेटी पैसे इनको। अरे दरोगा जी आओ भाई आओ। हाँ जी आ गए चौधरी साहब। अरे घनश्याम, ए घनश्याम, अरे कुछ चाय पानी लेके आओ भाई। और सुनाओ चौधरी साहब क्या चल रहा। और सब ठीक है दरोगा जी, इनका कुछ मेहनताना सा था, मेहनताना दिया, अभी दोनों के दोनों गए ही है। बहुत अच्छी बात है, आदमी की मेहनत का मेहनताना टाइम पे मिल जाए तो हमें भी अच्छा लगता है। देखो कोशिश तो हमारी भी यही रहती है दरोगा जी, किसी का अगर मेहनताना है उसका पसीना सूखने से पहले उसे दे दो। और बताओ कैसे आना हुआ। बस चौधरी साहब इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको राम राम करता चलूं। अरे वो तो बहुत बढ़िया, आते जाते रहा करो, कुछ हमारा भी हौसला बना रहे। अच्छा चौधरी साहब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, कुछ खा पी के जाइयो, चाय आन लग रही। अरे घनश्याम चाय जल्दी लाइयो भाई, बैठो आप। तनख्वाह के जो पैसे हैं वो मैं अपने अपने घर भेज देती हूँ और तुम अपने अपने पास रख लो। अरे मैं रख के क्या करूँ, उन्हें भी अपने घर भेज दे। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं सिर्फ अपना हिस्सा अपने घर भेजूंगी और तुम अपना अपने पास रख लो। अरे इसमें तेरा और मेरा क्या हिस्सा हो गया, मैं क्या करूँ इन पैसों का, तू सारे अपने घर भेज दे। ना मैं क्यों दूसरे के पैसे रखूं? अरे दूसरे के हैं, मुझे इन पैसों का कौन सा प्लॉट लेने है, जमीन लेनी है, मैं तो तेरे मारे यहाँ आया था, मुझे पैसे ना जोड़ने ना नौकरी करनी, वे तेरे काम आ जा वही काफी है। नाना मैं ना लूं तेरे पैसे। अरे यार इसमें कौन सी बात है, तू अपने घरों भेज दे, तू उन्हें उधार समझ लिए, जब तेरे पे हो दे दिए, कम से कम यू कर्जा तो उतरे उसका। हाँ ये बात ठीक है, इसमें से कुछ पैसे मैं खर्चे के लिए निकाल लेती हूँ, बाकी घर भेज देती हूँ। चल जो तुझे अच्छा लगे वैसा कर ले, ठीक है ना। प्रियंका ने 60,000 रुपए भेजे इतर जगह नाग का भी कर्जा। अरे मेरे लिए तो भेजे होंगे पैसे। तो तेरा हिसाब करके देंगे ना। हिसाब? हिसाब तुम करोगे या मैं करूंगा? के हिसाब करेगा तू? 50,000 तो पूरे दिए नहीं थे, लाख तो ऊपर तेरे पे जा लिया, जान लेके छुट देगा के। तुझे पैसे मैंने ब्याज पे दिए थे या दान खाते में दिए थे, तुझे कुछ पता भी है? 2,50,000 रुपए से ज्यादा हो लिए तेरे पे। कौन सा ब्याज लगा रहा तू, 50,000 के थे 2,50,000 कर दिए। अच्छा जी अब ब्याज भी मैं ही समझाऊं, मैंने तुझसे कितनी बार कह दिया तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा मगर तू मानता ही नहीं। चिट्ठी दे तेरे किस काम की? चिट्ठी? चिड़िया किस डाल पे बैठी है, चिट्ठी तो बतावेगी। इसका कीड़े पड़ जा। भरेगा इसके भी पाप का घड़ा। अरे ले या पर्ची मेरी जेब में पड़ी है, कई दिन थे मैं देनी भूल गया था। के है? अरे या वो मनी ऑर्डर की पर्ची है। के करूँ इसका अब? फिर भी सरकारी कागज है लेके खड़े तो हो सके, सो उक चूक है मनी ऑर्डर ना पहुँचे। कैसे नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा तो वापस आ जाएगा मनी ऑर्डर। हाँ ये तो है। अच्छा एक काम करेंगे, आपके पैसे से आवे तो तू अपनी मम्मी पापा को एक फोन दुआ दिए। उससे क्या हो जाएगा? अरे के हो जाएगा, तू हालचाल बूझ ले करिए, कोई बात हो तो तू अचानक बात तो हो जाए करे, ठीक है ना। और भाई जब मनी ऑर्डर भेजे करेंगे तो बूझ ले करेंगे मनी ऑर्डर गया नहीं गया। यू ठीक कह रहा। चल ठीक है तू चली जाइए बालक पठान, मैं खेतों पे गुजार। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ जाओ माँ जी बैठो। एक ये बैठू
मुझे पता ना है कि आज करवा चौथ है। मुझे नहीं पता है जी, ये तो अभी जिक्र कर रही थी। आज करवा चौथ भी है, मुझे तो पता ना कैसे कैसे मनेगा। मैं तो मगा तो तू माजी ते बुझ लिए, कह रही थी हाँ माजी ते बुझूंगी। इतने में तो तुम आई गए। खाया पिया तो ना है तन्ने? अजी यह तो तड़की तो नहीं हुई है, इसने तो कुछ हाथ भी ना लगाया किसी चीज के। यह चाय भी मैं नहीं बना रही है। फिर ठीक है, होंगे आ जाइए और वही त्योहार मनाऊंगे। पुष्पा भी रहेगी पढ़ती और तू भी रह लिए। हाँ मैडम जी, अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। के है यू? मतलब ना पता तुझे करवा चौथ के हो? अरे वो बन रहा खड़ा। अरे मुझे के पता, मुझे तो इतना पता कि कोई त्योहार हुआ है। त्योहार होवे इसमें पढ़ती रहना पड़े तो रह लिए, एक दिन में ना कुछ बिगड़ रहा। पागल, ये शादी शुदा के लिए होता है, पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है ये। अच्छा तो फिर तो बढ़िया आयु। बढ़िया आयु मैं कैसे रखूंगी? अरे तो दिक्कत है तो मत रखिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कह रहा, वो लोग क्या कहेंगे मैं क्या बताऊंगी। अरे बताना के है, मने कर देंगे कि भाई ना रह रहे। ऐसे नहीं होता। अरे तो तू रोटी खा के चली जाइए, उन्हें मने कर दिया, उन्हें बड़ा पता चल रहा है। क्या बात कर रहा तू? अरे तो अब क्या हो सके, या तो तू खा ले खाना, नहीं तो तू आ जा यार, और तो कुछ हो नहीं सकता। मैं देखूंगा कुछ, ठीक है ना, तू आ जाइए। जामा पहलवान जिंदाबाद, पट्टा शामपुर जिंदाबाद, पट्टा शामपुर जिंदाबाद, जामा पहलवान तैयार है। जामा पहलवान आज 25 किलोमीटर की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अरे 25 किलोमीटर नहीं, वो 25 मीटर की दौड़ है, और आज बिना रुके बिना थके लगातार रिकॉर्ड कायम करेंगे। जामा पहलवान जिंदाबाद, जामा पहलवान जिंदाबाद। आ जाओ मैडम जी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। बच्चों को भेज दो, मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ। बच्चों की छुट्टी कर दे, करवा चौथ की तैयारी कर लो, मेहंदी वेहंदी लगा लो, आ जाओ दोनों अंदर। हाँ भाई, और पेन लेके रखो, मेरा रिकॉर्ड लिखना। हाँ शितिनार बजा। तेरे की मौज कर दी। ओ बेटे मौज कर दी। ओ तेरी लगली रेस। ओ भाई यो गिर गया। पहलवान जी पामा लगा। पहलवान जी बेहोश। पहलवान जी तुम तो डरा दो हमें एकदम। हमें लगा बेहोश हो गए तुमको, भरा क्या होगा भाई, यही गिर गया क्या? अब ऐसा हाँ, मैं बेहोश थोड़ा ही ना हुआ हूँ। अच्छा ना मैं गिरा? अच्छा मैं तो डंड मार रहा था। क्या मार रहे तुम? डंड। अच्छा डंड, भटक वाला डंड। हाँ पर तुमने तो हमें बहुत बुरा डराया दिया था। अब कहीं पहलवान जी बेहोश हो गए, हम तो गए थे यहाँ से। जान से निकल गई थी। हिंद केसरी कौन लावेगा? अबे सालो छोटी मोटी घटनाएं पहलवान पे गुजरती हैं। चलो पटाखों। ले तू ये खा ले। पुष्पा ले भाई थारी मेहंदी तो मंगा दी, रचा लो लो। अरे तू कैसे बैठा? अरे दही की कटोरी कैसे ले रखी है? खा रहा है क्या तू? मैं खा ना रहा, ये तो यह कह रही थी के। मैं क्या कह रही थी? या कह रही थी एक गाय को घेर दिए। मारा तो ऐसा होता ना, पर चलियो कह रही है तो दिया गाय को। हाँ हाँ इनके बा, 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 बा। अरे घेरिया भैया गाय के क्यों बैठा? हाँ हाँ घेर के आ रहा हूँ। पुष्पा लगाओ मेहंदी।
आज तो भाई गाय मौज लगी। माँ जी आज मैं लगाऊंगी आपको मेहंदी। ये ना है ए, तू लगा अपना। माँ जी मैं तो लगा लूंगी। ए प्रियंका तुम दोनों लगा लो, मैं तो तुम्हें दोनों को देख देख कर खुश हो लूंगी। स्वागन भागन के ये लगा ले, दोनों लगाओ तुम। कोई बात नहीं लगवा लो। ए मुझे तो नहीं पता तेरी खुशी मिल रही है, तुम बरती हो मेरे बेट तान के। लगा लो। Shh.